Dear students, welcome on RCI Online Pathshala. Now we discuss next profile. और ये क्या है? Rational type की profile है. पहले जब हम कर रहे थे तो केवल एक ही term हुआ करता था. अब क्या है? P upon Q type में है. देखिए, हमने इसमें पहला pattern सीखा normal x minus a x minus b type का. फिर second pattern पे क्या किया अपन ने? Minus को common कैसे लेते हैं? थर्ड पैटर्न पे क्या हुआ? इवन और ओड पावर के बारे में बात करी. और अब हम बात करेंगे एक रैशनल टर्म्स की, यानी पी अपॉन क्यू टाइप में. देखिए कैसे करेंगे इनको, ध्यान देना बिल्कुल और अच्छे से. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे देखो ध्यान से. यहां पे क्या हुआ? एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या हुआ? x इक्वल टू वन आ गया. ऐसे ही x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा? माइनस फाइव. और यहां से क्या होगा? x इक्वल टू जीरो. ऐसे ही यहां पे क्या होगा? x प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी माइनस टू. इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा. उसके बाद देखिए, आप सीधे नंबर लाइन पर लिखिएगा. यहां पर आपको माइनस इंफिनिटी और यहां पर आपको प्लस इंफिनिटी लिखना है. अब देखिए कैसे क्वेश्चन होगा. यहां पर आपने माइनस फाइव लो, यहां पर माइनस टू लो, यहां पर जीरो और यहां पे वन. इतना हो गया. उसके बाद देखो, ध्यान देना, जब ग्रेटर दैन इक्वल टू हो, उस टाइम आप क्या साइन यूज करते हो? यहां पे डार्क सर्किल यूज कर रहे थे. तो देखिए, डार्क सर्किल मैंने यहां पे भी लगा दिया और डार्क सर्किल यहां पर भी लगा दिया. लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके अनुसार यहां मैं लिखता हूं बट x नॉट इक्वल टू जीरो और x नॉट इक्वल टू माइनस टू. इसका मतलब समझो जो मैंने आपको ये लिखा है. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना है. आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए, वन माइनस फाइव जीरो और माइनस टू आया, हमने लिख दिया. उसके बाद ग्रेटर दैन इक्वल टू था, तो मुझे सब पर ही डार्क सर्किल यूज करना था, क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू पर क्या होगा? डार्क सर्किल यूज करेंगे. यहां तक हो गया. उसके बाद अब इस चीज को देखो, आप क्वेश्चन को, अगर यहां पर एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन होगा, और नॉट डिफाइन होगा तो हम जीरो को शामिल ही नहीं करेंगे. देखो यहां के अनुसार जीरो को शामिल करना चाहिए था, लेकिन आगे लिखा ना कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया. अब आप लिखते हो वन अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है कि नहीं होता? अब जब नॉट डिफाइंड ही हो गया तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? जीरो पे क्या करना पड़ेगा? ब्लैंक सर्किल. ऐसे ही क्या करना पड़ेगा? x प्लस टू इक्वल टू जीरो हो गया, तो x इक्वल टू माइनस टू में भी क्या करना पड़ेगा? ब्लैंक सर्किल. तो मेरा कहने का मतलब समझो, यहां तक चले क्रिटिकल पॉइंट तक, तो हमने ये पता लगा लिया कि डार्क सर्किल आएगा. लेकिन जब क्वेश्चन ही नहीं बचेगा तो फिर डार्क और ब्लैंक का क्या मतलब रहा? तो हमने क्या किया? बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो x इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा, x इक्वल टू माइनस टू भी नहीं होगा. तो कहने का मतलब ये रहा कि सीधा सीधा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. और मैं यही बात कह रहा था कि ये ट्रिक 90% सही है, 10% कहां गलत हुई? यहां पर जाकर. और ये गलत भी नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि डिनोमिनेटर ही जीरो हो गया तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहा. और जब इसका कोई मतलब ही नहीं रहा तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? तो उस टाइम यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा. ये लाइन लगने के साथ हमें एक्सेप्शन पे जाना है कि आपको ऐसा मिलता है तो आपको यूज नहीं करना. इस टाइप के क्वेश्चन में भी और कराऊंगा, उससे भी आपको क्लियर कर दूंगा. और उसके बाद देखिए, इस पे पावर वन, इस पे पावर वन, यहाँ पे भी वन और यहाँ पे वन, मतलब सभी पावर क्या है? ओड पावर है. ओड पावर है तो सीधा प्लस माइनस प्लस कंप्लीट. उसके बाद देखो, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसका मतलब पॉजिटिव साइन यूज करना है, ये आपको याद हो गया होगा. और नेगेटिव वाला आपका आंसर हो ही नहीं सकता. अब इसके बाद में आप क्वेश्चन केवल आंसर लिखना है, क्या x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव, माइनस टू से
जीरो और वन से इन्फिनेटिव इस पर तो आपको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए माइनस फाइव पे क्या है, डार्क सर्किल, और डार्क सर्किल होता है तो क्या करते हो आप, क्लोज इंटरवल ये लो। उसके बाद क्या आया, माइनस टू कहाँ है, ये रहा। माइनस टू पे क्या है, ब्लैंक सर्किल, और ब्लैंक पे क्या आएगा, छोटा ब्रैकेट। जीरो पे क्या है, ब्लैंक स्मॉल ब्रैकेट, और वन पे क्या है, ये लो डार्क सर्किल हुआ, क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। और ओपन सर्किल है तो क्या करेंगे, ओपन इंटरवल, आप यहाँ पे दोनों पे यूनियन लगा दो और यही आपका क्या है, आंसर है। और बस इसमें एक चीज याद रखनी है, ध्यान रखना है कि सब आपके अनुसार बिल्कुल सही था यहाँ तक, लेकिन बट लग के थोड़ा सा अलग हो गया। और थोड़ा सा क्या अलग हुआ कि आपको इनको इनको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, बस भाई। इसका मतलब क्या है, जीरो को आंसर में इंक्लूड नहीं किया, जबकि इसका मतलब क्या है, वन को आंसर में इंक्लूड किया है, बस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।